अपने घर को देखें हम आपके आने से घर में कितनी रौनक है आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम खुश हुए प्रभु मिलन की मस्ती में हर मन मगन अरमा के फूल खिले अपनों से आज मिले कहते नयन मंगलम मंगलम आनंदम परम सुखम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम गुनगुनाती ये पवन मुस्कुराता ये चमन लाया ये मौसम खुशियों के प्यार का नदियों का पानी बीती सो बीती सुनाती कहानी रात गई सवेरा छाया उजाला भूल जाओ को तो क्यों मतवाला हर की बाराती आई स्वर्ग की सौगात लाई प्रभु मिलन के देख लगन
मंगलम आनंदम परम सुखम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम गुनगुनाती पवन मुस्कुराती चमन लाया ये मौसम खुशियों के प्यार का जगाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम जहाँ जहाँ रखो सही तो आसमां बनाओ सितारों से सजाओ अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो मैं तितलियों के पीछे भागूं मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं ये रंग है वो रोशनी है तुम्हारे पास दोनों लाऊं जितने खुशबुएं बाग में मिले आ जितने खुशबुएं बाग में मिले मैं लाऊं वहां पे कि तुम हो जहां जहां पे एक पल बिठहरूं मैं गुलसिता बनाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि ये गूंजती हुई नगाड़े की धुन ये नकारे की आवाज कह रही है कि दादी जी हमारे बीच पहुंच गए हैं
उड़ीसा की मधुर आवाज शंख ध्वनि बनकर गूंज रही है। दारी जी आप सबके बीच में एक बार जोरदार तालियां बजाकर दारी का स्वागत। कमलेश बहन, प्रेम बहन, रानी बहन, कुलदीप बहन, कृपया आगे की पंक्ति में अपना स्थान ले लें। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी, ओ जिसकी पायल पे, ओ जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसके रोज रोज की तुम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। महकते बहकते हुए रास्ते खुल गए आप ही प्यार के वास्ते, कितने जन्मों से, कितने जन्मों से जिसको बुलाते रहे, आजमाते रहे, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल आते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, ओ तुम वही तो नहीं, ओ तुम वही तो नहीं। बहुत बड़ा सच है कि दादी जी के सपने हमें रोज आते रहे,
इसमें कोई दो राय नहीं। प्रतीक्षा की घड़ियां बढ़ती जा रही थीं और बैठे बैठे मेरे मन में कुछ उद्गार आते गए। आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, खिल उठी है ये ज़मीं, खिल उठा है आसमां, दादी जी के आगमन से, दादी जी के आगमन से रोशन होता ये जहां। धन्य धरणी धन्य अंबर, धन्य है बाबा भवन, धन्य धरणी धन्य अंबर, धन्य है बाबा भवन, नृत्य करती प्रकृति है, हर्षित होता हर एक मन। आज भर लो झोलियां, ये सब कटक वालों के लिए है, आज भर लो झोलियां, वरदान लेकर आए हैं, संगम युग के ये फरिश्ते कटक चलकर आए हैं। आज बहारें खुश हैं क्यों, रानी बहन बिहार से आई हैं, लीला बहन बन लक्ष्मी दादी जी के संग आई हैं, कमल खिलते हर कदम कमलेश दीदी हैं यहाँ, कमल खिलते हर कदम कमलेश दीदी हैं यहाँ, दीप रोशन है यहाँ, कुलदीप भौणी है जहाँ, संत नगरी से पधारी प्रेम की धारा यहाँ, प्रेम दीदी पंजाब से पधारे हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं फरीद, संत नगरी से पधारी प्रेम की धारा यहाँ, जल तरंगें बज रही संगीता जी रहती यहाँ। यहाँ सभी भाई बहन आज बहुत हर्षित हैं। मैं पुनः कुलदीप बहन से निवेदन करूँगी कि आदरणीय दादी जी को चुन्नी पहनाएं और मुकुट पहनाएं, कुलवीर बहन सहयोग करें। देवी कहूं तो आप सबकी तरफ से दादी जी को मुकुट पहना रही हूं। बहन बहन पहनाए बुल्लू भाई और कविता, माता जी पंजाब से पधारे हैं हमारे बीच। बुल्लू भाई और कविता नायक, ये जिस जमीन पर भवन का निर्माण हुआ है उस जमीन के जमींदार हैं बुल्लू भाई। हाँ, इनको ये संकल्प आया कि बाबा भवन बनना चाहिए।
अब हम माता जी जो हमारे बीच पंजाब से पधारे हैं, जब भगवान संसार में उतरता है या भगवान के बंदे नज़र आते हैं तो हर दिल हर शय ये कहती है क्या पाऊँ क्या लुटा दूँ और क्या पाऊँ क्या लूट लूँ। हमारी प्रेम के बंधन में बांधने जा रही हैं कुलदीप बहन दादी जी को, आप देख रहे होंगे, आगे कहना बेकार है। और जिन्होंने दादी जी के वरदानी हाथों में अपनी अनमोल निधि पहनानी है, कृपया वो मंच में आ जाएं। जिन्हों को भी दादी जी को विशेष अभी माता जी से निवेदन है कि वो हार पहनाएंगे, हाँ, ये दादी जी के करकमलों में पहला नंबर लिए ले रहे हैं कुलदीप बहन। आप बहन भाइयों के हाथ में भी है मुझे मालूम है। बुल्लू भाई सामने आ रहे हैं, सुरेश भाई और सरस्वती बहन से निवेदन है कि वो भी आ जाए। ये बहुत ही सुंदर कृष्ण का चित्र है, रजत चांदी का बना हुआ है क्योंकि कटक सिल्वर नगरी कहलाती। सरस्वती बहन, मनोरमा माता भी आई हैं हमने सुना है, वो भी आ जाए मंच पर। Thank you.
ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। एक बहुत बड़ी बात, संतों का कहा सीकरी से काम। संतों ने कहा है कि हमें राजशाही से कुछ लेना देना नहीं, और आध्यात्म के जगत में आध्यात्म की साधना करने वालों का इन भवनों से क्या काम। ये इतने बड़े बड़े विशाल भवन क्यों बना रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय रानी बहन जो बिहार से पधारी हैं, हमारे बिहार की सब जोन इंचार्ज हैं, और सबसे बड़ी बात कि बाबा के कर कमलों में बाल्यकाल जिनका व्यतीत हुआ है, ऐसी विदुषी तपोनिष्ठ दीदी से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो आज बताएं। बाबा भवन का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन इस बाबा भवन के उद्घाटन का मकसद क्या है। आप सबने इसमें अपना तन मन धन लगाया, भला क्या मिला लगाने से। आदरणीय रानी दीदी बहुत अच्छी तरह से अपनी शुभकामनाएं देते हुए बाबा भवन के उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगी। आदरणीय रानी दीदी। ओम शांति। आदरणीय दादी जी, मंच पर उपस्थित सर्व सम्माननीय बहनें, सभा में उपस्थित बहनें और भाई, आज इस बाबा भवन में आकर बहुत बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। नाम क्या है? बाबा भवन। बाबा से मिलन कराने वाला भवन। भक्तों की बहुत चाह रही है आत्मा परमात्मा से मिल जाए, आत्मा परमात्मा में मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए। दर्शन मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसी भावनाएं रखने वाले भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए ये भवन का निर्माण हुआ है। उन्हें यहाँ बुलाकर ये अनुभव कराना है कि जिस भगवान को पुकारते आए हैं, जिससे मिलने की चाह रखते आए हैं, वो भगवान केवल ईश्वर प्रभु ही नहीं, वो हमारा बाबा है, वो हमारे परम पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। हम बहुत फरियाद करते आए हैं, बहुत प्रार्थना करते आए हैं, बहुत स्तुति करते आए हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ बाबा हो और बच्चे हों, वहाँ तो फरियाद की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो अधिकार की बात है। बाबा पर हमारा ईश्वरीय
जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चे को तो बिना मांगे सब कुछ मिलता है, वो तो ये जानता भी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। माता पिता पहले से उसका इंतजाम कर देते हैं। ऐसी व्यवस्था करने वाला हमारा मीठा बाबा, जब बाबा इस धरा पर आए स्वर्ग रचने के लिए अनेक साधनों की जरूरत पड़ी। बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए भूमि की आवश्यकता है, भवन की आवश्यकता है जहाँ बैठकर उन्हें आत्म अनुभूति कराई जाए, परमात्म अनुभूति कराई जाए। तो जिन बच्चों ने भूमि बाबा को दी, तीन पैर पृथ्वी दिए, कहते हैं तीन पैर पृथ्वी में सब कुछ ले लिया, है ना गायन, तीन पैर में सब कुछ नाप लिया। बाबा कहते हैं अभी तीन पैर पृथ्वी के, जिसने बाबा को दिया वो स्थान, वो भूमि अविनाशी हो गई, वो हमें पूरा कल्प फल देती ही रहती है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी भूमि दान सबसे बड़ा दान माना गया, क्योंकि भूमि हमें सब कुछ प्राप्त कराती है। भूमि हमें अन्न, फल, जल, सारी वस्तुओं की व्यवस्था भूमि के द्वारा होती है। और बैठकर, जिस छत्र छाया में बैठकर हम बाबा को याद करेंगे, बाबा का आवाहन करेंगे, संस्कार परिवर्तन का कार्य कोई एक दो दिन का काम नहीं है। बाबा तो विश्व परिवर्तन के लिए, स्वर्ग रचने के लिए संस्कार परिवर्तन का कार्य करते हैं, और संस्कार परिवर्तन के लिए प्रतिदिन ज्ञान और योग की क्लास चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग की ट्रेनिंग के लिए समय चाहिए। परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, मान अपमान होता रहेगा, बातें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, हम उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। ये ट्रेनिंग इस स्थान पर मिलती है। बाबा को ट्रेनिंग देने के लिए भवन स्थान की आवश्यकता है। जिन बच्चों ने बाबा के इस कार्य को, बाबा के इस संकल्प को पूरा करने में सहयोग दिया है, अपनी उंगली लगाई है, उसको सहयोग देने के लिए बाबा बंधा हुआ है। I'm
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वो नृत्य क्या जो लोगों को झुमा न दे। मैं देख रही हूँ कि गेट के पास भी हमारे भाई जो रात दिन सेवा में लगे थे इस गीत के साथ खुद भी झूम लिए और खुद भी नृत्य कर रहे थे। अब हम आदरणीय कमलेश दीदी जो वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और इतना ही नहीं जिन्होंने इस उत्कल की भूमि को पहचाना, अगर कहूँ कि उड़ीसा में आध्यात्म का परचम फैलाने वाली बाबा के यज्ञ रत्नों की अनोखी कड़ी हैं कमलेश दीदी। और उड़ीसा में आज जो बहुत स्थानों पर सेवा केंद्र खुले हुए हैं उसमें आपकी महती भूमिका है। बहुत स्थानों पर आपने बाबा का परचम फैलाया। लगभग 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 आप खुद जानते होंगे कि उड़ीसा में हर केंद्र इस बात का गवाह है कि कमलेश दीदी ने वहाँ अपनी सेवाएं दी और आज भी वो दे रही हैं। हमारा निवेदन है कि वो आज के इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएँ हम सबके सामने रखेंगी। आदरणीय दीदी, ओम शांति। प्यारे शिव बाबा के मंच पर उपस्थित अपनी प्यारी प्यारी अति पूजनीय श्रद्धे परमादरणीय दादी जी जो इतनी दूर से हमारे पास पधारे हैं, बान सभी स्थानों से बाबा की अति मीठी मीठी प्यारी प्यारी बहनें, कलकत्ते से मुन्नी बहन, नवरंगपुर से नीलम बहन और पंजाब से प्रेम बहन, लीला बहन और भी अन्य मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय बहनें और हाल में उपस्थित सब हमारे प्यारे प्यारे आदरणीय कटक निवासी भाई और बहनें, इस कटक महानगरी में, इस महानदी बिहार में एक इतनी सुंदर बहार और इतना सुंदर संगठन बाबा भवन के नाम पर होगा वो स्वप्न तो बरसों से था लेकिन आज साकार में देखकर बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि ये कटक महानगरी है और इस महानगरी में ये स्थान महानदी बिहार है जहाँ पर सभी महान वीआईपी आत्माओं का स्थान है और ऐसी जगह पर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये भूमि दान का कार्य कराया और अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कुलदीप बहन ने इसको इतने सुंदर तरीके से बनाया और इतना महत्वपूर्ण स्थान बना है। भले ही दूर गली में होते हुए भी इतना सुंदर है कि महानदी बिहार के जो जो महान बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं महानदी बिहार में वो तो आपको नहीं मालूम है। 40 वर्षों से इसका नाम हम सुन रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सुंदर कार्य एक दिन बाबा कराएगा जो महानदी बिहार में और कटक महानगरी में बहुत महान आत्माएं शिव बाबा के घर में आकर लाभ लेंगे। तो वो अनुभव हम आज अपनी आँखों से प्रैक्टिकल देख रहे हैं। कहा जाता है कोई चीज़ में देर होती है पर अंधेर नहीं होता है, इसलिए देर होते हुए भी ये गुप्त रीति से
प्यारे बाबा का महानदी विहार में इतना सुंदर स्थान बना है, मैं देखूंगी कि यहाँ पर बहुत यहाँ की आत्माएं तड़पती है कि इतने दूर दूर सेवा केंद्र है, कॉलेज स्क्वायर है या मंगला मंदिर के पास है, तो एक महानदी विहार में ऐसा सुंदर स्थान जरूर होना चाहिए। एक सारे कटक निवासियों का सुंदर संकल्प था जो आज पूरा हो रहा है, जो अपनी प्यारी दादी जी के हाथों से कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ। और इसका नाम कितना प्यारा है, बाबा भवन, जहाँ बाबा बैठ कर के ज़रूर बाबा के पास की जितनी महान महान नदियाँ या महान महान भाई और महान महान रहने वाले वरिष्ठ पदाधिकारी इस स्थान से यहाँ पर आएंगे और लाभ लेंगे। हमारी ऐसी सुंदर शुभकामनाएँ इस स्थान के लिए आज से नहीं 40 वर्षों से थी और आज भी है और पीछे भी रहेगी कि ये स्थान इतना सुंदर बने जहाँ ऐसे ऐसे VIP लोग बैठे हैं जो सारे नगर में बिखरे हुए हैं। वो VIP आ करके यहाँ बाबा से अपना वर्षा प्राप्त करेंगे और बाबा भवन में पहुंचकर कुछ ले लेकर के झोली भर भर कर जाएंगे। ऐसी हमारी शुभ भावना रही और है। और इसमें हमारी मीठी मीठी कुलदीप बहन ने इतना दिन रात मेहनत करके और सारे कॉलेज स्क्वायर और कटक के भाई बहनों ने सहयोग देकर इसको तैयार किया या भूमि दान किया, तो उसके लिए भी उन सभी को बहुत बहुत मुबारक है। आज के दिन के लिए हमारी बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति।